क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए शांत और अशांत के बारे में आपको बता दिया गया है। शांत और अशांत के बारे में क्या बताया गया है, मान लीजिए पी बाई क्यू है, पी की जगह पर कुछ भी हो एक रहना चाहिए, और यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या होना चाहिए, दो के पावर ए और गुणे पाँच के पावर बी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पावर में, लेकिन दो का और पाँच का ही गुणा रहना चाहिए। खंड गुणनखंड क्या होना चाहिए, दो और पाँच का। इसमें कोई भी दूसरा संख्या आ गया, यानी तीन चार कोई भी आ गया, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। तो यहाँ पर देखिए पी वाई क्यू है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, 343 बट्टे दो के पावर थ्री पूरे पाँच के पावर थ्री पूरे सात के पावर थ्री। तब देखिए यहाँ पर दो के पावर थ्री पाँच के पावर थ्री ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सात के पावर थ्री आ गया है। तो आप देखिए सात के पावर थ्री अगर कीजिएगा तो यहाँ पर 343 होगा, तो ये कट सकता है और यहाँ पर एक आएगा, और यहाँ पर दो इतना है ही, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन देखेंगे तो अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन हम थोड़ा सा पहले सी लेते हैं, ऑप्शन आपको बताने में आसान होगा। तो 11/700 मान लीजिए, तो इसको खंड कीजिए, तो कितना होगा, 7/100 को क्या कर सकते हैं, 5/2/2 का पावर 2। देखिए 5×25 और 2×4 यानी 25×100 और 100×7 यानी 700। अब देखिए यहाँ पर इतना आ रहा है, लेकिन 7 यहाँ पर आ रहा है, 11/7 तो कटेगा नहीं, इसलिए अशांत होगा ये, ऑप्शन आपका एक गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए 91/2100 है, तो 7×21 होगा, यानी 91 और या 7 या 3×7 और गुड़े 5×2×2 यानी ये तो 700 और 1×3 आ गया, तो 7×21 हो जाएगा। तो इस तरह इतना आएगा, लेकिन यहाँ पर 21 आएगा, 21 91 से कटेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही होगा।